पीछे देख। हाँ। अरे वो करो ना चालू। तो फाइनली मेरे बाल निकल चुके हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे एलोवेरा एंड गमले में लगा हुआ है ढेर सारा एलोवेरा। तो जब भी मैं बालकनी में जाती हूँ ना तो मुझे एलोवेरा दिखता है, तो ध्यान आ जाता है कि मुझे मेरे फेस पे एलोवेरा लगाना है। थोड़ा अच्छा लगता है एलोवेरा लगा लो ना तो फेस पे एकदम फ्रेश फील होता है। काम के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, अपना ध्यान रखना भी एंड स्किन केयर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लग गया है एंड अभी मैं घर के सारे काम पड़े हैं तो वो निपटाती हूँ। एंड आज मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में मुझे आज कुछ स्पेशल बनाना है, सब लोगों की फरमाइश आ रही है। सो पास्ता को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, जब तक मैं फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ एंड झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है सारे कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। रुद्रांश की चल रही है कलरिंग, पूरे बिस्तर पे कलर फैला के कलरिंग करता है। अच्छा अच्छा है। और लिखा क्या है ये पढ़ के तो बताओ पहले। 1919 होता है। हेलो वीरा ना सूख गया था, उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है। सो गाइस, यहाँ पे पास्ता भी ये देखिए कुक हो गया है, छन्नी में निकाल दिया था तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था ना वो निकल गया है। सारी वेजेस कट कर ली हैं। आज मैं ना बहुत सिंपल तरीके से पास्ता बनाने वाली हूँ। कई बार ऐसा होता है ना आप कम मिर्च मसाले में भी खाना बनाओ ना तो भी बहुत टेस्टी बनता है, तो आज का पास्ता भी इसी तरीके से बहुत टेस्टी बना हुआ था। सो यहाँ पे मेरे पास घर में इस टाइम पे जो जो वेजेज अवेलेबल थी वो मैंने सारी कट कर ली हैं। सो यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाला, जीरा डाला, उसके बाद प्याज डाल दिया, प्याज के बाद शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर ये सारी सब्जी डाल दी है, नमक डाल दिया है इनको पकने के लिए एंड थोड़े से मैंने मसाले ऐड किए, धनिया, मिर्ची, हल्दी, बस यही सारे मसाले डालूंगी एंड उसके बाद इनको हल्का सा सेक लेंगे। और उसके बाद जो बॉईल किया हुआ पास्ता रखा हुआ था, पास्ता बॉईल करते टाइम मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, बस पास्ता बॉईल हो गया था उसके बाद उसको भी ऐड कर दिया है उसी में, और उसके बाद थोड़ा सा टमाटो सॉस ऐड कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस सिंपल सा बनाया एंड काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। और वैसे भी हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं है क्योंकि रुद्रांश भी खाता है ना तो वो ज़्यादा मिर्ची खाता नहीं है। सो ये देखिए फाइनली हमारा पास्ता एकदम रेडी हो गया है बनके, यम्मी यम्मी। खराब कर ली इसने ये गाड़ी, ऑटोमेटिक चल रही, बंद भी नहीं हो रही। आज रुद्रांश की बना दी मैंने दो चोटी, ये बाल ना इतने बड़े बड़े हो रहे ना इसलिए मैंने दो चोटी बांध दी, आंखों पे बाल आ रहे थे। बारिश भी आना स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की है, देखो बूंदे आ रही हैं। मौसम अभी काफी अच्छा हो रहा है। टूट गया हमारे घर में जो पिजन आया हुआ था उसके दो अंडे थे, वो दोनों मंकी आया तो उसने तोड़ दिए है। अभी हमारे घर में अब अंडे भी नहीं है और पिजन भी नहीं है, दोनों ही नहीं है ना। क्या कर रहे कटिंग। तो फाइनली मेरे बाल निकल चुके हैं, जैसा लग रहा हूँ मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं कैसा फोटो में कैसा दिख रहा हूँ, देखो छूट गया। सो अभी हम लोग बैठे हुए हैं रेडी सेडी होके एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं घूमी सुमी करने के लिए। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है तो सोचा थोड़ा सा घूम के आते हैं, और हल्का हल्का बारिश जैसा मौसम हो रहा है और थोड़ा सा एक दो काम और करने हैं वो भी करके आएंगे साथ के साथ। सोच रहे हैं आज इसका हेयर कट करना है सो वो भी करवा के आएंगे जैसा भी टाइम मिला है ना। इसके हेयर देखो इतने बड़े बड़े हो गए एंड इसके स्कूल भी खुलने वाले हैं तो सोच रहे हैं उससे पहले उसका हेयर कट करवा दें, नहीं तो सब लोग क्या बोलेंगे। हाँ हाँ नहीं बोलेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे रुद्रांश के मम्मा पापा ने रुद्रांश का हेयर कट नहीं करवाया। सो इसका हेयर कट भी करवाना है, देखते हैं क्या क्या हो पाता है, कुछ काम है वो भी करने हैं। जाने से पहले एक काम और कर देती हूँ मैं, प्यूरीफायर में हो गया है पानी ख़त्म तो उसको भरने के लिए रख के जाती हूँ। सो यहाँ पे बाल्टी रख देती हूँ क्योंकि जो भी पानी निकलता है ना वेस्टेज वाटर तो उसको इस तरीके से स्टोर कर लेते हैं हम लोग एंड इसको यूज़ में ले लेते हैं, किसी भी मतलब पेड़ों में डाल देते हैं या पोछा लगाते हैं तो उसमें यूज़ कर लेते हैं। यहाँ हो रही है पढ़ाई, पढ़ाई के साथ साथ ये देखो क्या क्या फैला के रखता है पूरा टेबल पे, ये देखो ये इतनी बड़ी बड़ी आंखें किसकी हैं, दे देना ये ना। क्या चाहिए? सैंडविच और जूस दोनों ही दे। भूख लगी है? सैंडविच एक जूस और दे दो बाबू, इसमें दो हैं दोनों लोगों के लिए, एक जूस ठीक है।
वो ब्रेड का वो निकाल रही है तो देख उसकी स्टाइल क्या खा रही है, ब्रेड के वो छिलके निकाल रही है। निकले तो घर से हैं बट हाथ में लेके कुछ नहीं चले, पैसा वैसा हमने लिट्टी चोखा तो खरीद लिया एंड पैसे देने के लिए ना इनका फोन पे काम करा ना मेरा काम करा। फाइनली हमारे गाड़ी में 10-20 रुपए पड़े थे वो दिए टी एंड चोखा, सभी हम इसको खाएंगे और उदांश को हम फर्स्ट टाइम लिट्टी एंड चोखा खिलाएंगे। कितना यम्मी यम्मी लग रहा ना, ऐसा लग रहा मैं इसको एक ही बार में खा जाऊं पानी पूरी जैसे। इसको मैंने बोला जाके बेड पे लेट जाओ, नहीं सोफे पर ही बैठना है और कॉपी को भी साथ में रखना है और बैठ के ही सोना है तो इसको बहुत ज्यादा नींद आ रही क्योंकि बाहर से आया ना तो काफी थक गया था एंड आज हम जिस काम के लिए गए वो काम भी नहीं हो पाया। सो गाइस ज्यादा मैंने इसके आगे वीडियो शूट भी नहीं किया। और कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।